अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे? होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल खट्टी दाल हैदराबादी स्टाइल, बट थोड़ा ट्विस्ट दे रहे हैं। इसमें हम डालेंगे ये सोधनी की फली ड्रम स्टिक्स को इस तरह से अच्छा छील के वॉश करके रखिए। इसके लिए चाहिए हमें तुअर की दाल का बना रहे अपन 250 ग्राम तुअर की दाल, या उससे थोड़ा कम लीजिए अपने हिसाब से। लेके इसको अच्छे से वॉश करके आप 3 से 4 सीटियाँ लगा के अच्छा मैश कर लीजिए, दाल को गला लीजिए। ड्रम स्टिक्स, टमाटोस, हरी मिर्च, कोथमीर, करियापक चाहिए और बेसिक स्पाइसेस चाहिए अपने को इसके लिए। ये देखिए अपनी दाल अच्छे से गल गई इसमें। अच्छा, अब 250 ग्राम्स में आप 2 से 2 इंचेस पानी डाल के अच्छे से विजल्स लगाइए। 4 to 5 विजल्स आर मोर देन एनफ। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटोस, हरी मिर्च और करियापक, सोधनी की फली डालेंगे, थोड़ा सा करियापक। करियापक अभी डालेंगे तो दाल में अच्छा सा फ्लेवर आएगा। टमाटोस डालिया, सोधनी की फली डालिया। अभी फिर इफ रिक्वायर्ड पानी डालना है अपने को गलने के लिए, 1 विजल लगाएंगे अपन, ज़्यादा विजल्स नहीं। क्विक मिक्स, देन हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या थोड़ा ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हल्दी 1/2 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए, देन जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। बस डाल के एक मिक्स करके आप इफ रिक्वायर्ड पानी डालिए, अदरवाइज पानी देखिए अभी इसमें पानी की ज़रूरत है। अभी हम 1/2 ग्लास पानी डाल के विजल लगाएंगे। ये देखिए हम 2 कप पानी डाले, जो छोटी कटोरी आती ना उससे 2 कटोरी पानी डालिए आप लोग। डाल के इस तरह से कंसिस्टेंसी रख के विजल लगाइए, फली आपकी जल्दी गल जाती है। और थोड़ा पानी होना तो डालिए आप लोग, मैं आपको डाल के बता रही हूँ। अभी 1 विजल लगा के विल अब देखेंगे अपन, 1 से 2 विजल्स लगा के फली गला के आगे का प्रोसेस बताऊँगा मैं आप। ये देखिए अपनी दाल अच्छे से गल गई और इवन ड्रम स्टिक्स भी अच्छे से गल गई। ये देखिए इमली का पानी है, 1 कटोरी इमली, मतलब 50 ग्राम्स ऑफ इमली भिगा के आप पानी 1 कटोरा निकालिए, उसका अच्छे से स्क्वीज करके इमली को उसका खट्टा डालना है। डाल के एक बॉईल आते ही अपन बघार डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अपना दाल अच्छे से हो गई, अभी हम इसमें बघार लेंगे। बघार के लिए आप ऑयल ले लीजिए, ऑयल गर्म हो से ही थोड़े से 4-5 कलियाँ लहसुन के डालिए। थोड़ा सा लहसुन रेड होते ही, आई मीन गोल्डन होते ही, ज़ीरा एंड सूखी लाल मिर्च, सिंपल बघार, ये सिंपल बघार है खड़ी दाल का। बहुत ज़्यादा हॉट है इसलिए बी केयरफुल। बघार को, बघार में ज़रा सा करियापक डालिए आप लोग, थोड़ा सा फ्लेम ऑफ करके अभी ये बघार हम दाल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छे दाल में अभी सर्व करके बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए सिंपल दाल रेडी हो गई खट्टी दाल, आपको मैं इसमें प्लेट में डाल के भी बताऊंगा। बहुत ही हॉट एंड गर्म, कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से रखिए, आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं आप। आप देखिए कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखिए, आपको वो कैसा रखना है। आप ज़्यादा भी गला सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं गला सकते, लेकिन इस तरह से गलाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहेगा। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा आपको। सिंपल दाल राइस के साथ गोश्त तले हुआ, गोश्त या पापड़ और किसी के भी साथ भी एंजॉय कर सकते। और भी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल रेसिपी इसीलिए बनाया मैं क्योंकि मेरे थोड़े फ्रेंड्स हैं जो न्यूली मैरिड है, उन लोग की रिक्वेस्ट है कि डेली के जो सालन रहते हैं वो बताइए सिंपल एंड इजी वे में। तो देखते रहिए और भी रेसिपीज़ के लिए आयशा के स्टाइल में।
फ्लेवर्स ऑफ डेकेंट। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।